विधायक विश्वास सारंग का भोपाल सीट से लोकसभा टिकट को लेकर बयान आया है। सारंग का कहना है कि भोपाल में टिकट वितरण को लेकर ना कोई मतभेद है और ना ही मनभेद है। हमारे यहाँ हर चुनाव का कैलेंडर बना हुआ है, इसलिए हम टिकट देने में कहीं लेट नहीं हुए हैं। जिस समय जिस टिकट का वितरण होना है उसी समय होगा। उन्होंने प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें जीतने का वादा किया। भोपाल में कांग्रेस की जीत के दावे पर उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अधिकार है कि चुनाव लड़े और परिणाम आने से पहले दावे करे। भोपाल की जनता सब जानती है और सुनिश्चित करेगी कि पीएम नरेंद्र मोदी ही इस देश के प्रधानमंत्री बने। वही कोई भी घोटाला हुआ है तो सरकार उसकी जांच करे, लेकिन बदले की भावना से जांच ना करे। भोपाल से अपने नाम पर सारंग ने कहा कि उमा भारती जी ने मेरा नाम भोपाल से कहा है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। टिकट वितरण को लेकर ना कोई मतभेद है, ना मनभेद है, ना कोई कंफ्यूजन है, ना दिक्कत है। हमारे यहाँ हर चुनाव की प्रक्रिया का समय नियत है, कैलेंडर बना हुआ है, कब कौन सा टिकट डिक्लेयर होगा ये सुनिश्चित है। इसलिए हम कहीं भी किसी भी टिकट देने में ना लेट हुए हैं, ना हमारे यहाँ किसी भी प्रक्रिया में कोई संदेह है। जिस समय जिस टिकट को डिक्लेयर होना है वो समय पर डिक्लेयर होगा। भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 लोकसभा की सीटें जीतेगी। बदलते समय के साथ सियासत अब बदले का रूप लेने लगी है। प्रदेश में सत्ता बदलते ही राजनीतिक दलों ने बदले की राजनीति शुरू कर दी है, ये कहना है पूर्व मंत्री विश्वास सारंग का। दरअसल माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के बड़े घोटाले में पूर्व मंत्री सारंग की बहन का नाम भी शामिल है, जिसके कारण उन्होंने इस पूरे मामले को बदले की राजनीति से प्रेरित बताया है। उनका सीधा आरोप है कि जिस तरह से कार्रवाई हो रही है वो बदले की राजनीति के चलते हो रही है, जो राजनीति में ठीक बात नहीं है। यही पूछने आए हो? नहीं नहीं, और क्या है तुम लोगों के सवाल? मैं तो वैसे ही आ गया। क्यों? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ आई शुड अभी भी इसकी गलत अभी दूर नहीं हो रही। मैं ये मानता हूँ कि बदले की भावना से की हुई कार्रवाई है और किसी भी तरह से बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि बदले की भावना से की हुई कार्रवाई है और किसी भी तरह से बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।